जितनी जरूरत हो उतने ही पैर फैलाने होते हैं गृहस्थी में, मगर कुछ लोगों के लिए खुशियाँ ज्यादा जरूरी होती है और उन्हीं खुशियों को पाने के लिए गृहस्थी के नियमों को नजरअंदाज किया जाता है। हमारी जिंदगी में प्यार बहुत जरूरी होता है, पर सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती ना। कुछ लोग रिश्ते निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हद? कुछ लोग रिश्तों को महज एक हद में बांध के रखना ही जिंदगी समझते हैं। उनके लिए ख्वाहिशें और खुशियां कोई मायने नहीं रखती। अगर वक्त रहते ने नहीं संभाला तो हालात हाथ से निकल जाते हैं और जुर्म भी पनप सकता है। दीदी, हाँ, मुझे भूख लगी है। रुक, मैं भी तेल दे कुछ बना कर लाती हूँ, ठीक है? मम्मी रेडी 4 दिन से घर नहीं आए। गए कहाँ? कुछ पता है आपके पास? जब हम सो रहे थे तो पता नहीं इन लोग गद्दा लेकर कहाँ चले गए। गद्दा? सर वो मैट्रेस होता है ना बेड पर लगाने वाला, वही। सिर्फ एक मैट्रेस लेके चले? हाँ सर, घर में वो मैट्रेस भी नहीं है और वो दोनों भी नहीं है। बीना, बीने सर के कैबिन में बैठो। चलो 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 बैठ जा। सर एक औरत दो बच्चियों को लेके आई, दोनों बच्चियों के माँ बाप गायब, इसके अलावा उनके घर से एक मैट्रेस गायब। मैट्रेस गायब? जी सर। जी कहिए। सर इन दोनों के माँ बाप पिछले 4 दिनों से गायब है।
आप कौन है? सर हम इन लोगों का नेबर है, रोजी। चार दिनों से इनके मम्मी डैडी को नहीं देखा तो हमें कुछ गड़बड़ लगा सर। उनके फोटोग्राफ है आपके पास? जी सर। सर ये नागेश इंगोले और ये उनकी वाइफ रूपा इंगोले। मुझे मम्मी के पास जाना है। पर नहीं बेटा, हम जल्दी आपके मम्मी पापा को ढूंढने जाएंगे। कहाँ रहते ये लोग? सर, बेटा आखिरी बार मम्मी पापा को कब देखा था? जब हम रात में सो रहे थे तो दोनों थे, पर सुबह उठकर देखे तो कोई नहीं थे। तो ये कब की बात है? वेनेस्डे। पक्का वेनेस्डे? हाँ, क्योंकि उस दिन मम्मी का बर्थडे था। कमरे में बाकी कुछ तो नहीं? क्या ये पूजा का सामग्री है? अंदर कुछ दवाइयां हैं और डॉक्टर अशोक की प्रेस्क्रिप्शन। चेक करो ब्लैक मैजिक का सामान है क्या? सर नहीं, सर बेसिक पूजा सामग्री है। इतनी सारी दवाइयाँ? ये तो कोई चूरन लगता है। सर, हरूज बच्चों को लेकर भाग गए। कर खून देखकर लगता है कि इस घर में कुछ तो हुआ है। बच्चों का ब्लड सैंपल ले लो और इस खून का डीएनए उससे मैच करो। बेटा वेनेसडे को जब मम्मी का बर्थडे था, उस रात मम्मी पापा के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ सुना था आप लोगों ने? नहीं। मम्मी पापा का मोबाइल नंबर याद है? मम्मी के पास फोन नहीं है, पर मुझे पापा का फोन नंबर पता है। अंकल को नंबर दे देना। कर आस पड़ोस में पूछताछ करो और इन दोनों के फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर बेटा पापा का नंबर बताओ। नागेश और रूपा को जानते हो? हाँ साहब, मेरे पड़ोसी हैं। क्यों, क्या हुआ साहब? उनके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ साहब, रूपा तो बहुत अच्छी औरत है, लेकिन नागेश कुछ ठीक आदमी नहीं। नागेश बहुत शक करता था साहब, जब भी कहीं रूपा बाहर निकलती थी ना, उसके पीछे पीछे पहुंच जाता था। क्या करे तू यहाँ पे? बच्चों के लिए चॉकलेट लेने आई थी। कोई चॉकलेट वॉकलेट की जरूरत नहीं है, चल घर। नागेश भाऊ देखो गुस्सा मत करो, वो सिर्फ चॉकलेट लेने आई थी। तू अपना काम कर समझा, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। नागेश करता क्या है? वो तो टैक्सी ड्राइवर है सर। और रूपा? रूपा प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करती है, वो सुपरवाइजर है वहाँ पे, बहुत मेहनत करके पैसा कमाती है, लेकिन वो नागेश को लेके बहुत परेशान रहती है। अरे रूपा भाभी, अभी सुनो तो, ये चोट कैसी लगी आपको? मुझे पता है, उसी नागेश ने मारना फिर था। अरे छोड़ क्यों नहीं देती उसको? बस करो, मेरे पति के बारे में और कुछ मत बोलो, जैसे भी है वो मेरे पति है। भाभी कि नागेश और रूपा की किसी से कोई दुश्मनी? साहब नागेश तो खुद का दुश्मन है, कर्जे और उधारी में डूबा रहता है। वो तो रूपा भाभी बेचारी जो घर और परिवार को संभालती है। ठीक है, अगर उन दोनों के बारे में कुछ पता चलता है तो हमें बताना। जी सर। ये नागेश और रूपा का आपस में रिश्ता कैसा? सर नागेश तो भला आदमी था, लेकिन वो रूपा एक नंबर का नकचढ़ी औरत था।
मैं आपको पता नहीं एक नंबर का महारानी समझता था। मुनीरा खाना बना लिया क्या? हाँ बना लिया। मैं आती हूँ। क्या बात है रूपा, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। किसी पर बिजली गिराने का इरादा है क्या? और सर रूपा से बात करना मतलब फोकट का टेंशन। हाँ सर, रूपा इधर ही काम करती है, बहुत मेहनती औरत है सर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम पे नहीं आ रही है सर, क्या बात हो गया सर? देखो वो और उसका पति दोनों पिछले कुछ दिनों से गायब, अपने घर पे भी नहीं गए। तुम कुछ बता सकते हो कि रूपा की जिंदगी में क्या चल रहा था? क्या बोलूँ सर, रूपा तो काम करने को मांगती थी लेकिन उसका पति नागेश जो है वो काम छोड़ने के लिए बोलता था उसको। वो पिछले कुछ दिनों से उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था सर। सब बोलना तो नहीं चाहिए, रूपा ना कुछ काम नहीं करती थी, नखरे करती रहती थी और पगार लेके जाती थी, मालिक भी उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। सर वो आज मुझे भीत में जल्दी जाना, मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ ना। और सर वो मुझे 2000 रुपए एडवांस भी चाहिए थे, बाद में एडजस्ट कर लेना। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं। पगार से 4 गुना ऊपर चढ़ा रखा था, पर पता नहीं क्या मालिक पे जादू कर रखा था उसने। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ओके, कोर्ट में सबमिट कर देना ये। सर नागेश और रूपा के बारे में पूछता है। नागेश के बारे में तो सब बुरा ही बोलते हैं, और ये नागेश अपनी बीवी पे शक करता था, उसे मारता पीटता था, सनकी लगता। मतलब पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। और ये रूपा? रूपा के बारे में लोगों ने बताया कि काफी खूबसूरत थी, पर सर एक बात तो अजीब, औरतें रूपा को बुरा बोलती है, शायद उसकी खूबसूरती से जलते हैं, वही सारे मर्द रूपा को अच्छा बोलते हैं। शक की वजह यही, और इसी शक की वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा। घर के अंदर हमें खून के धब्बे मिले, इसका मतलब उस घर के अंदर कुछ तो हुआ है। ब्लड स्टेन की रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो जाएगा कि वो खून के धब्बे है किसे। सर आपस का झगड़ा तो समझ में आता, लेकिन इस तरह बच्चों को छोड़ के जाना समझ में नहीं आता। एक हफ्ता हो गया। सर मैंने पता किया, ये नागेश एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर है। फिलहाल नागेश जहाँ काम करता था वहाँ जाकर पूछताछ करते हैं, शायद वहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। खेलकर बच्चियों ने कहा था कि वो लोग घर से जाते वक्त मैट्रेसेस लेकर गए। जब हम सो रहे थे तो पता नहीं लोग गद्दा लेकर कहाँ चले गए। एक बात समझ में नहीं आया, कोई घर से जाते वक्त अपने साथ मैट्रेस क्यों लेकर जाए? क्या हुआ? किस बात का डर तुम्हें बार बार सता रहा है? कुछ नहीं। देखो तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, इसमें इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है। तुम कुछ बता भी नहीं रही हो, क्या टेंशन है तुम्हारी लाइफ में? सुनो, तुम में से नागेश को कोई जानता है? ये सब मैं जानता हूँ। इधर आओ। दोस्त है अपना। क्या हुआ, फिर से कोई लफड़ा कर दिया क्या? फिर कोई लफड़ा किया मतलब? अभी थोड़े दिन पहले एक लफड़ा हुआ था। सेठ मेरे को पैसे की जरूरत है। क्या रे नागेश, जब देखो पैसा 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 करता रहता है। जितना काम तू इधर करता है उतना पैसा तेरे को मिलता है ना, तेरे को और ज्यादा पैसा चाहिए ना तो कहीं और जाके भीख मांग। क्या सेठ इतने सारे पैसे पड़े, थोड़े से दे दोगे कम हो जाएंगे क्या? ये दे रहा है क्या? चल निकल यहाँ से, जा। अरे अरे क्या कर रहा है तू? अरे
तो उसका नौकरी गया ही था, वो तो रूपा भाभी की वजह से नौकरी बच गया। क्या बताए सर, महंगाई इतनी बढ़ गई कि खर्चे पूरे ही नहीं होते। सर छुपाने जाओ तो पैर खुले रह जाते और पैर छुपाने जाओ तो सर। प्लीज प्लीज इन्हें काम पे रख लीजिए प्लीज। जॉनी तुम अपने डैडी को बोलो ना प्लीज। डैडी प्लीज देख लीजिए ना, अगर कुछ हो सकता है। प्लीज सर। नौकरी तो उसका बच गया साहब, लेकिन वो खुद किधर गुल हो गया मालूम नहीं। दिमाग एक जगह पे रहता नहीं था उसका, कभी इधर कभी उधर, काम पे तो काम पे, घर पे भी ऐसा ही करता था साहब। इसलिए भाभी ने एक दिन मेरे को बोला कि तुम नागेश का ध्यान रखना, वो घर में कम और तुम लोगों के साथ ज्यादा रहता है। अच्छा, बहुत ही खोया खोया रहता है, किसी से बात ही नहीं करता, एकदम चुप। तुम उसके दोस्त हो, तुम उसे बात करके देखो ना, शायद तुम्हारे साथ खुल के बात कर ले वो। साहब नागेश ने अपना जिंदगी खुद ही बर्बाद कर दिया, सबसे पैसा मांगता था साहब, शायद उसको कोई बड़ा बीमारी था साहब। कैसी बीमारी? वो तो कुछ आइडिया नहीं। ऑफिस क्या तुम्हारा? सब एक पास वाली गली में। एड्रेस लिख लो इससे। कहकर हर कोई यही बोल रहा है कि नागेश को पैसों की जरूरत थी, अब पता चला कि उसे कोई बीमारी भी थी। कौन सी बीमारी थी, क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में, समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले उसके ऑफिस चलते, उसके सेठ से बात करते, फिर उस डॉक्टर अशोक से मिलते हैं जिसका प्रिस्क्रिप्शन उसके घर पर मिला था। सर हाँ साहब, वो अपुन का ही गाड़ी चलाता था, लेकिन एक नंबर का चोर था साहब। उसने अपने को बहुत परेशान किया और बिजनेस भी चौपट कर डाला। जो मार्केट में अपना गुडविल था वो खराब कर दिया, और उसकी वजह से तो एक बार यहाँ पर। अरे 22-33 नंबर के टैक्सी का ड्राइवर किधर है? है एक नागेश, मगर वो अभी यहाँ पर नहीं है। मेरे को उसका एड्रेस चाहिए। एड्रेस चाहिए? क्यों चाहिए एड्रेस? अरे मेरे अब्बू अम्मी को लेके गया था अपने टैक्सी में, साले का क्या दिमाग फिर गया क्या मालूम, बीच में छोड़ दिया उनको। वो ऐसा आदमी नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, मैं मिलवाता हूँ उससे। अरे सर ये आ गया, नरेश आ गया। अरे क्या हो गया सर? रास्ते में छोड़ा क्या? उसने तुमसे उधार भी लिया? यस सर, लेकिन उसने 1,00,000 रुपए देकर मेरा आधा पैसा लौटा दिया था। उसने इतना सारा पैसा कहाँ से लाया? साहब बोला कि जमीन बेच कर लाया। कहाँ थी उसकी जमीन? उसका गांव कराड़, शायद वहीं का जमीन बेचा था। ठीक है, एक मिनट साहब। वो सनकी जरूर था मगर दिल का बहुत अच्छा था और मेहनती भी था। उस दिन उसने मुझे बताया कि टैक्सी में अजीज के साथ कोई औरत थी जिसके साथ वो इश्कबाजी कर रहा था। कोई माँ बाप नहीं थे उसके साहब, इसीलिए वो उसको आधे रास्ते में छोड़कर आ गया। ठीक है। नागेश की जिंदगी में क्या चल रहा था, उसे इतने पैसों की जरूरत क्यों थी, अपने पति का हर मोड़ पे साथ देने वाली रूपा कहाँ थी, घर से भागकर एनजीओ में शरण लेने वाली औरत कौन है, इस औरत का इस केस से क्या लेना देना है। नागेश सिंह आपका पेशेंट था, ये कुछ दवाइयाँ आपने उसे लिख कर दी थी, काफी महंगी दवाइयाँ है। जी हाँ सर, ये दवाइयाँ मैंने उसे लिख कर दी थी। किस चीज की दवाई है? सर ये हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर है, इसे सेटिरियासिस भी कहते हैं। इसे आमतौर पर आप सेक्सुअल डिजायर कम करने की गोलियां भी बोल सकते हैं। नागेश खुद के लिए लेता? उसने ये गोलियां तो अपने दोस्त के नाम पर मुझसे ली थी, क्योंकि ऐसे मामले में लोग अक्सर ही शर्माते हैं। नागेश को लड़कीबाजी का शौक होगा, जिसके लिए वो लोगों से पैसे लेता होगा, और ये बात रूपा को पता चल गई होगी, इसलिए नागेश ने रूपा को कुछ कर दिया होगा। हेलो, दोनों मैच करते हैं। ठीक है सर, लैब से कॉल, पता चला कि घर में जो खून मिला था उसमें एक्चुअली दो लोगों का खून, एक मेल और एक फीमेल,
और ये दोनों खून के डीएनए दोनों बच्चों के डीएनए के साथ मैच भी करता, मतलब उसमें रूपा और नागेश दोनों का खून। जरूर इन दोनों के बीच बहुत बड़ा कुछ तो हुआ है, शायद मारपीट या फिर हत्या। डॉक्टर से तो अब नागेश के बीमारी के बारे में भी पता चल गया है, हो सकता है ये बीमारी झगड़े की वजह हो, और शायद इसी बीमारी के लिए वो लोगों से पैसे भी मांग रहा है। उसके घर से हमें कोई कैश नहीं मिला, और अगर उसने जमीन बेची उसे बहुत पैसे मिले होंगे। हो सकता है जमीन के पैसे ही झगड़े की वजह हो। लेकिन सर अब तक यही पता नहीं चला कि हुआ क्या है, दोनों को मार दिया गया है, दोनों भाग गए हैं या किडनैप हुए। डीएनए रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि घर के अंदर खून खराबा जरूर हुआ है। सर हमने आसपास के सभी हॉस्पिटल मुर्दा घर चेक किए, पुलिस की मिसिंग कंप्लेंट्स भी चेक की, कहीं कोई सुराग नहीं। ये अजीज कौन है जिसका जिस नागेश के साथ झगड़ा हुआ था? पता चला है कि सर एक लोकल चिकन शॉप का डीलर है, थोड़ा भाई टाइप का, तो लोग डरते हैं उससे। ये अजीज ने उसे मारने की धमकी दी थी ना? जो खो जाता है उसे ढूंढते हैं भानु, और जो खुद ही चला जाए उसे कौन ढूंढता है? तू सो जा। अपुन सच बोलता है साहब, अपुन ने कुछ नहीं किया। हाँ सिर्फ मारपीट ही तो की है और क्या। अरे साहब वो तो बस एक दिन का था, उसके बाद में अपुन को अपना मिस्टेक मालूम गिर गया, अपुन ने उसको सॉरी बोला एकदम दिल से, अच्छा दोस्त बन गया वो अपुन का। हर संडे अपुन के यहाँ से चिकन जाता था उसके। आपको झूठ लग रहा है क्या सर? आपको झूठ लग रहा है तो आप बच्चों से पूछो ना, एकदम फैमिली मेंबर के जैसा था अपुन उसके घर का। करकर बच्चों को बुला। सर अपुन सच बोल रहा है सर। अजीज अंकल मुझे मम्मी के पास लेकर चलो। देखा साहब बच्ची भी पहचानती है, अच्छे पारिवारिक संबंध है हमारे उनके साथ। रोते नहीं बेटा, चलो चलते हैं। साहब इनको लेके जाओ क्या साथ में देख रेख करने के लिए? कोई जरूरत नहीं, तू निकल ले। नहीं मुझे मम्मी के पास लेकर चलो। बेटा चलो 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 बेटा चलो। बेटा रोते नहीं ना, हम लोग है ना, हम लोग तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ निकालेंगे। बट बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का झगड़ा होता था? देखो हम लोग बार बार इसलिए पूछ रहे, अगर तुम कुछ बताओगे हमें तो हमें सबूत मिल सकता है ताकि हम तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ सकते हैं। झगड़ा हुआ था। इतने पैसों में घर का खर्चा कैसे चलेगा? रखो अपने पैसे अपने पास। क्यों? चिंता बदल दी क्या? हाँ, बदल दी। देख तेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल कर तू। ये अजीज अंकल भी आपके घर पर आते जाते थे? पर पापा को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है मीना लेकर जाओ इन्हें। केलकर ये अजीज बहुत शातिर है, नजर रखो इस पर। वैसे भी नागेश के बारे में पता करने उसके गांव कराड़ाम जाहिर है, इन बच्चों को भी साथ लेकर जाते, उनके दादी के घर पर नहीं छोड़ दे। जी सर। हाँ सुन, मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए, चाहे कहीं भी हो उसे ढूंढ के निकाल, वरना तुम लोगों की खैर नहीं, समझा ना? हमें कहीं नहीं जाना, मैं बानू की देखरेख कर लूंगी, अगर
पापा घर पे आए और वो हमें नहीं देखे तो फिर वो परेशान होंगे। मुझे मम्मी के पास जाना है। देखो बेटा, जब तक तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आते तुम लोग दादी के पास ही रहो। जैसे ही वो लोग घर पर आ जाएंगे तुम्हें अपने घर लेकर जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ साहब, सब कुछ ठीक तो है? सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तो हम लोग यहाँ आए। नागेश और रूपा घर से गायब और उनके घर में उनका खून मिला। नागेश और रूपा के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब कुछ हमें जानना है। क्या बताऊं साहब, मेरा भाई था ही नालायक। रूपा के बेचारी तो भाग ही खोटे, हमेशा हमेशा शक करता था। वो शादी में जाके सीधा घर वापस आने वाली थी ना? कहाँ थी वो? मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। पागल समझती मुझे तू? घरों का पता तो कौन से दोस्त के घर गई थी? और तुम्हारे पीछे ना अपना चेहरा आदमी का शक्ल चेंज कर। नागेश बंद कर तमाशा। मैं आपकी दासी बनकर रह लूंगी, लेकिन मैं सुसान नहीं रहूंगी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अंदर चलो। उस दिन के बाद वो जैसे हम पर भी शक करने लगा, हमेशा लड़ते झगड़ते थे। उनकी उसी का नतीजा। डायन थी वो रूपा, मेरे बेटों को बर्बाद कर दिया उसने, घर को बर्बाद कर दिया उस चुड़ैल ने। ठीक ही तो कह रही हूँ। और तू तू अपने भाई की बजाय उस नालायक लड़की की साइड ले रहा है। हाँ, क्या कह रहे तुम? तू अपने भाई के बारे में गलत कैसे बात कर सकता है? आप अंदर जाइए, हमें इनसे बात करनी है। प्लीज देखिए, नागेश और रूपा के बारे में आप जो कुछ भी जानती है प्लीज बताइए। माझा नागेश खूप चांगला मुलगा ऐसा है, ये लड़की भी बड़ी कमीनी है, बहुत प्यार करता है वो उससे। शादी के बाद तो और भी लट्टू हो गया, इतना कि उस लड़की के लिए अपने बाप दादा की जमीन तक बेचने को मांग रहा था। मैंने मना किया साहब। हाँ, मेरी मदद कर, मुझे पैसों की बहुत बहुत जरूरत है। छोड़ क्यों नहीं देता तू उस औरत को? अरे यही, मैं कैसे छोड़ दूं उसको? मेरी बच्चियों की माँ है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, इसलिए दिन रात मेहनत करके मैं उसके लिए पैसे कमाता हूँ। उसको पैसे पूरे नहीं पड़ते यार, उसको और पैसों की जरूरत है। देना मुझे पैसे। उससे तो जमीन भी बिक नहीं पाई साहब, और वो भाग गई होगी किसी और के साथ, और ये उसके पीछे पीछे ढूंढता गया होगा उसे। अपना साहब उसको पकड़ के जेल में डाल दो, फांसी लगवा दो उस कमीनी को। देखिए आप शांत हो जाइए, देखिए हम तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद नागेश और रूपा कहाँ रहते थे? लक्ष्मी चौक बेड़गा। रूपा खूबसूरत थी तो नागेश शकी था, पर अब इस रूपा के भी नए नए रूप सामने आने। लेकिन रूपा अगर बच्चलन होती तो नागेश उसके साथ इतने साल क्यों रहता? बेलगांव चलकर देखते हैं, शायद कुछ हाथ लग जाए। आ गया मैं। तो जहां जाएगी वहां हम आएंगे। अगर किसी को कुछ कहा ना तो तुझे, तेरे बच्चे को इधर ही जिंदा गाड़ दूंगा मैं। जी कौन है, कौन है वहां? अरे मैडम, मैडम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। अच्छा मैडम, वो मैं ये पूछ रहा था कि उसको लेके जा सकते हो क्या? नहीं अभी नहीं, अभी उसे देखभाल की काफी जरूरत है।
मैं तुम्हें बाद में फोन करके बताऊंगी। ओके मैडम, चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अरे अरे अरे, चलो बाजी से आया तो बुलाओ, इसकी डिलीवरी यहीं करनी होगी। हाँ साहब, नागेश और रूपा इधर ही रहते हैं। रूपा एक नंबर की चंट और रहती साहब, आते जाते रास्ते में किसी को भी फंसा लेते। किसी को फंसाना तो उसके बाएं हाथ का खेत, बड़ी चालू औरत थी साहब। और साहब नागेश तो टूरिस्ट का गाड़ी चलाता था, इसलिए हफ्ता 10 दिन के लिए बाहर रहता था और इधर रूपा का कार्यक्रम करता था। यूँ कहो साहब कि रूपा ने तो धंधा ही खोल दिया। वो तो मोहल्ले वाली औरतों ने जाके पुलिस में कंप्लेन किया तो नागेश उसे अपने गांव ले गया माँ के पास। सर, अब तो मामला साफ नजर आ रहा है कि नागेश ने रूपा से तंग आकर उसे मार दिया, या फिर रूपा ने नागेश को मारा होगा, या रूपा के किसी आशिक ने इन दोनों को मारा होगा। यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से इनके बारे में डिटेल इंक्वायरी करो। कहकर इस केस की शुरुआत हमने जहाँ से की थी अब भी वहीं पर है, कोई भी ब्रेक तो नहीं मिला। बोलो अजीज, आज कलोज खाड़ी के चक्कर लगा रहे सर। उसके साथ दो आदमी और हैं सर। क्या पता नहीं क्या है, ढूंढते रहते हैं। ठीक है, दीदी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग पापा के पास जा रहे हैं। आ जा रहे हैं? हम तो पापा के पास। कह तेरा बाप, अब पड़े रहो जिंदगी भर यहाँ। चलो चलो अंदर चल। केलकर, ये अजीज अपने साथियों के साथ सुनसान जगह पर क्या कर रहा था? ये अजीज और उसके दोनों साथियों को पुलिस स्टेशन बुलाकर लेकर आ। सर, खाड़ी के पास जो डंपिंग ग्राउंड है वहां तुम लोग बार बार क्यों जाते हो? साहब, वो मेरा मुर्गियों का धंधा है ना, वो कचरा फेंकने के लिए जाते हैं हम उधर। उस दिन मेरे सोने की चेन वहाँ पर गिर गई, इसलिए घाटी में ढूंढने गए थे हम। पक्का? वो साहब ठीक है, अभी के लिए जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के कोई नहीं जाएगा, समझे? निकलो। खेलकर, ये कांस्टेबल सिविल ड्रेस में इनके पीछे लगा देना, ये लोग उस खाड़ी पर जरूर जाएंगे। पता तो चले कि कौन सा खजाना वहां छुपा कर रखा है इन लोगों ने। सर, बच्चा इतना रो रहा है बच्चा, इसे दूध क्यों नहीं पिला रही हो? कब से कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन ना 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 ना, देखो दिमाग में इतना टेंशन लेकर दूध पिलाओगी ना तो दूध नहीं उतरेगा, उसको ठीक से फीड नहीं मिलेगा। इतना बोझ लेकर क्यों जी रही हो? क्या हो गया है तुम्हारी लाइफ में? बताओ तो क्या हुआ है? गायब है मतलब? कब से गायब है आपका लड़का? आप वेडनेसडे 1 जून को सुबह सुबह घर पे बोला था कि अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पर जा रहा है और अभी तक लाइन होता है। मैं उसके फ्रेंड्स को पूछा तो पता चला कि वो तो ट्रेकिंग पर गया ही नहीं। साहब, घर से 1 लाख रुपए भी गायब है।
किसी के साथ दुश्मनी थी उसकी? सर मेरा ही नागेश के साथ लफड़ा हुआ था। अरे, अरे, पैसा लेके जाए। नहीं, 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 सर। और मेरा बेटा जॉनी उसके मोहल्ले में आता जाता था। ये फोटो है साहब उसका। सर आई ट्राइड हिज नंबर सो मेनी टाइम्स लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं है। ठीक है कंप्लेंट लिखवा दीजिए आप। थैंक यू सर। सर वेनसडे मतलब उसी दिन जिस दिन नागेश और रूपा गायब, इस नागेश ने इस मोंटेरो से अपना बदला उसके बेटे से तो नहीं लिया? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पति पत्नी ने मिलकर इस जॉनी को गायब किया हो क्योंकि जॉनी के पास पैसा भी था। एक काम करो इस मोंटेरो से जॉनी का नंबर ले लो, उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो अर्जेंट बेसिस। सर तुम्हें याद है ना कि पापा ने क्या कहा था? बेटा बहादुर बन, कमजोर बनेगी तो जी नहीं पाएगी। और वैसे भी तुम दोनों तो सहारा हो अपने पापा का, है ना? हाँ? और मेरे मम्मी का क्या है, हमारा झगड़ा तो चलता ही रहेगा। भानु भी छोटी है, अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाती साली। उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना। सर बॉडी का निचला हिस्सा मिला था, ऊपर का हिस्सा कहाँ है? सर वो तो हमें मिला नहीं था। आसपास ढूंढो, यही कहीं फेंका होगा। लड़की बड़ी कमी नहीं है। तेरा भाई था ही नालायक, एक नंबर का चोर था साहब। नागेश बहुत शक करता था साहब, जब भी कहीं रूपा बाहर निकलती थी ना उसके पीछे पीछे पहुंच जाता। नागेश ने अपना जिंदगी खुद ही बर्बाद कर दिया, शायद उसको कोई बड़ा बीमारी था। वो तो गया। तो जॉनी थॉमस के पास दो नंबर्स थे, उनमें से इस नंबर की मोबाइल की लोकेशन हमेशा उस बस्ती की रही जहाँ पे नागेश और रूपा रहते, जबकि जनरली किसी के मोबाइल की लोकेशन अपने घर की हो। और इस नंबर से चार नंबर्स पे लगातार बात होती। ये नंबर सुरेश, प्रकाश, अजीज और जॉनी का ही पहला नंबर। जॉनी का नंबर? तुम्हारा कहना है कि जॉनी अपने ही नंबर से अपने दूसरे नंबर पर कॉल करता था? और ये सुरेश, प्रकाश और अजीज, इनका और जॉनी का क्या कनेक्शन? जॉनी का दूसरा नंबर कौन इस्तेमाल कर रहा है, नागेश या रूपा? सर इस दूसरे नंबर से बाकी चारों नंबर पर सिर्फ कॉल्स नहीं रोमांटिक मैसेजेस भी भेजे जाते हैं। डिटेल्स पीछे उठाकर लेकर आओ तीनों को, और जॉनी के दोनों नंबर सर्वेलेंस पे डाल दो। सर इतना सब कुछ हो गया, डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप पुलिस को फोन मत कीजिए। नहीं चिंता मत करो, पुलिस हमारी मदद करेगी। एक मिनट, हेलो पुलिस स्टेशन। सर मैंने हिम्मत की थी पुलिस स्टेशन आने के लिए, लेकिन मैंने वहाँ अजीज को देखा और मैं बहुत डर गई। मैं मेरे बच्चे के खातिर वहाँ से चली गई। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, आज से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। बताओ जो कुछ भी जाने। कहकर मुर्गियों को पिंजरे में बंद करने का टाइम आ गया है। थैंक यू। बस टाइम पास करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फटाफट बता दो नागेश को क्यों मारा तुम लोगों ने? साहब वो रूपा ने मारा उसे। रूपा ने मारा उसे? तुम तक उसकी तारीफ कर रहे थे, आज उस बेचारी पर इल्जाम लगा रहे हो। बेचारी बेचारी नहीं है साहब, वो उसने ही नागेश को मारा। साहब आप उसकी बातों में बता रहे, कब किसको अपने घेरे में ले लेगी पता ही नहीं चलेगा। एक नंबर की खिलाड़ी औरत है वो। खिलाड़ी तो तुम लोग ही बहुत बड़े हो, याद है ना?
नागेश का है? क्या किया उसके साथ? मुझे नहीं पता नागेश का, मैं खुद तंग आकर उसकी जिंदगी से निकल गई। अच्छा रूपा, शादी के बाद तुम लोग करार रहते थे, फिर बेलगांव चले गए, अब गोवा आ गए, ये बार बार घर क्यों बदल रहे हो? नागेश ने बोला। झूठ, मैं बताता हूँ। करार में नागेश के भाई के साथ तुम्हारा अफेयर था, जो उसकी बीवी और माँ को पता चल गया था, इसलिए नागेश तुम्हें वहां से लेकर बेलगांव चला गया। बेलगांव में तुम्हारे काफी लोगों के साथ अफेयर, इसलिए नागेश तुम्हें वहां से लेकर गोवा में आ गया। गोवा में भी तुम्हारे काफी मर्दों के साथ अफेयर रहे, तंग आकर तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर तुमने नागेश को मार डाला। मार डाला? सच सच बताओ, क्यों मारा नागेश को? सच है कि मेरा कहीं मर्दों के साथ संबंध था, लेकिन मैंने नागेश को नहीं मारा। इसे जानती हो? नहीं, मुनीरा नाम है इसे। मुनीरा, जब इसके पति के साथ तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध, अजीज, अजीज, सुरेश, प्रकाश, तीनों मेरे कस्टडी में है और तीनों ने अपना मुंह खोल दिया है। बेहतर यही होगा कि तुम भी अपना मुंह खोल दो। राकेश, राकेश के साथ मेरी शादी एक गलती थी, वो मेहनती था, लेकिन दो वक्त की रोटी के सिवा और कुछ नहीं दे सकता था, और मुझे पैसा चाहिए था। पैसा कमाने के लिए मेरे पास मेरा जिस्म था, जो मैंने इस्तेमाल किया। कई सालों तक तो नागेश को इस बात का पता भी नहीं चला, लेकिन जब पता चला भी। क्या कर रही तू? हाँ, पहले बेलगाम में, फिर करार में, फिर तूने मेरे अपने भाई को प्रेम जाल में फंसाया। मैं तुझे अपनों से दूर यहाँ लेके आया, और तू देख सुधर जा, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? क्या ठीक नहीं होगा? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अब अगर मुझे हाथ भी लगाया ना, तो सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी और डाउरी के केस में तुम्हें अंदर करवा दूंगी, या फिर आत्महत्या करके तुम पे झूठा इल्जाम लगा दूंगी, समझ लो। नागेश ने मुझे ठीक करने के लिए कई उपाय किए, डॉक्टरों से दवाइयां लाई, पूजा पाठ करवाया, लेकिन बाद में उसने हालात से समझौता करा, लेकिन मेरे जन्मदिन पर उसके सब्र का बांध टूट गया। क्या हो रहा है ये सब? रुख, मेरा घर, मेरी पार्टी, तुझे क्या? पराए मर्दों को घर में बुला के अय्याशी कर रही है, बोल रही है मुझे क्या? मेरे दोस्त है। निकल साले, तू निकल, निकल तू निकल। उसके साथ हाथापाई में मुझे भी मार लगा और मेरा भी खून निकला था। इसका क्या करेंगे? मुनीरा, तूने कुछ नहीं देखा? जरा भी इधर उधर किया ना, तेरे को काटने में देर नहीं लगेगी, समझी ना? निकल। मौका पाकर मुनीरा वहां से भाग निकली, लेकिन मुझे पूरा यकीन था साहब कि वो मुझे धोखा नहीं देगी। मैंने उसे ढूंढ निकाला, बहुत धमकाया। ये गद्दे का क्या चक्कर है? वो लाश के टुकड़े हमने गद्दे पे ही किए थे। सबके बाद में जॉनी के साथ भाग गई, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था
वो मुझ पर बहुत पैसे भी लुटा रहा था। लाश के टुकड़े करके हमने थैलियों में बांध दी। मेरा मुर्गियों का धंधा है, हम कचरा फेंकने घाटी में जाते, बदबू में बदबू मिल जाए इसलिए हमने लाश को घाटी में फेंक दिया। पुलिस लाश तक पहुँची कि नहीं पहुँची ये देखने के लिए हम अक्सर वहाँ पे चक्कर लगाया करते थे। रूपा से दोस्ती होने के बाद मैंने अपनी बीवी मुनीरा को रूपा के घर में कामकाज के लिए रख दिया था। रूपा, तुमने सिर्फ नागेश को ही नहीं मारा बल्कि उसके प्यार, भरोसा और विश्वास का भी कत्ल किया। अजीज, प्रकाश, सुरेश, जॉनी और रूपा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना में सबसे ज्यादा नुकसान मासूम शालू और भानु का हुआ, जो अब सारी जिंदगी माँ बाप के प्यार और संरक्षण से वंचित रहेंगे। अपने रिश्तों को संभाल के रखें, क्योंकि रिश्ते ही असली पूंजी है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।